नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे काजू बिस्किट। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप पिसी हुई शक्कर ली है, एक कप मैदा, आधा कप घी, आधा कप कटे हुए काजू, दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 1/4 कप से थोड़ा सा कम कस्टर्ड पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम एक बाउल में घी डालेंगे। घी डालने के बाद अब हम इसमें पिसी हुई शक्कर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे जब तक यह क्रीमी ना हो जाए। मैं यहाँ विस्कर से फेंट रही हूँ, चाहे तो आप बीटर से फेंट सकते हैं या चम्मच से भी फेंट सकते हैं। देखिए, घी और शक्कर का मिश्रण फेंट कर क्रीमी हो गया है। अब हम इसमें सूखी सामग्री डालेंगे, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसे छान लेंगे। इस प्रोसेस में सूखी सामग्रियों को छानना ज़रूरी होता है। देखिए, छन चुका है। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैं यहाँ चम्मच से इसे मिला रही हूँ, फिर इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लूँगी। अच्छी तरह से मिला लेना है। अब मैं इसमें कटे हुए काजू डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। मुझे मिश्रण थोड़ा सूखा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए, इस प्रकार का डो होना चाहिए। अब हम बटर पेपर में घी लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें बिस्किट का डो रखेंगे और इस प्रकार से करेंगे। आप इसे अपनी मनपसंद शेप में बना सकते हैं। मैं बिस्किट को चौकोन शेप में बना रही हूँ, इसलिए इस प्रकार से कर रही हूँ। अब इसे बटर पेपर से कवर कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए इस प्रकार से। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे बाद फ्रिज से निकालने के बाद अब हम इसे खोल लेंगे। साइड के किनारों को काटकर अब हम इसे काट लेंगे। देखिए इस प्रकार से कट कर लेना है। इसी प्रकार हम सारी बिस्किट को कट कर लेंगे। देखिए, हमने सारी बिस्किट को कट कर लिया है। अब हम इसे बेक करेंगे। इसके लिए मैंने थाली में घी लगाकर बटर पेपर रखा है। अब मैं इसमें बिस्किट रखूंगी और इसे बेक कर लूंगी। हमें बिस्किट को एकदम पास पास नहीं रखना है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा गैप देना है। देखिए इस प्रकार से रखना है। अब हम इसके ऊपर काजू लगा लेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। मैंने सभी बिस्किट में काजू लगा लिया है। अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को पहले से ही 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने रख दिया था। अब हम इसमें थाली रखेंगे और इसे ढककर लो टू मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अब हम खोलकर देखेंगे। देखिए बिस्किट कितनी अच्छी तरह से बेक हो गई है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए बिस्किट ठंडी हो चुकी है और खाने के लिए तैयार है। अब मैं इसे आगे से और पीछे से बता रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से बेक हो गई है। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।